अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में लोकी थेनोस के हाथों काफी सरलता से मारा जाता है। खैर वो सच में लोकी था या उसकी परछाई, ये एक विवाद का विषय है। लेकिन इतना तय है, लोकी ना तो फिजिकली थेनोस का टक्कर दे सकता है और ना ही अपनी जादू से थेनोस को हराने का दम रखता है। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू ने ही लोकी को न जाने कई बार पटका था। हल्क ने भी लोकी की अच्छे से बजाई है, पर अब लोकी काफी बदल चुका है। टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करने के बाद ये न सिर्फ कैंग की जगह ले चुका है, बल्कि अनंत समय रेखा लोकी से ही जुड़ चुकी है। इसलिए लोकी को कई यूनिवर्सेस और टाइमलाइन में हो रही घटना की जानकारी के साथ पूरे टाइमलाइन को मिटाने की ये ताकत रखता है। लोकी अब ऐसा देवता बन चुका है जो न सिर्फ इस यूनिवर्स बल्कि मल्टीवर्स में चल रही ये हर घटनाओं पर नियंत्रण रख सकता है। यही वजह है कि मल्टीवर्स के सबसे बड़े खतरे कैंग के सभी वेरिएंट पर इसकी नजर हर पल बनी हुई है। पर क्या अब टीवीए को चलाने वाला लोकी अनंत मणि धारण किए हुए थेनोस तथा उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर पाएगा? क्या लोकी अब इतनी ताकत रखता है कि ये थेनोस की कहानी अपनी इच्छा अनुसार लिख सके? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें लोकी लोफेसन की, तो ये लोकी का बायोलॉजिकल चाइल्ड तथा किंग ऑफ द फ्रॉस्ट जायंट है, जिसे जन्म के तुरंत बाद ही मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन जब इस बच्चे पर ओडिन की नजर पड़ती है, तब ओडिन इसे अपने साथ एस्गार्ड ले आता है, जहां इसका ध्यान रखने वाली मां फ्रिगा तथा भाई थोर मिलता है। अब क्योंकि छोटे बच्चे थोड़े शरारती होते हैं और वो भी फ्रॉस्ट जायंट गॉड के घर पल रहा हो, तो इसकी बड़ी बड़ी शरारतों को देखकर इसे गॉड ऑफ द मिस्चीफ कहा जाता है। शरारती होने के साथ साथ इसमें राजा बनने की बड़ी लालसा होती है, इसलिए जब ओडिन थोर को राजगद्दी सौंपने जाते हैं, तब लोकी जानबूझकर एस्गार्ड में फ्रॉस्ट जायंट से हमला करवाता है। ये अपनी चतुराई से थोर को धरती पर सामान्य जीवन जीने को मजबूर कर देता है। और ओडिन जब गहरी नींद में चले जाते हैं, तब माफ्रिगा राजगद्दी लोकी को ही सौंप देती है, यानी ये अपने मकसद पर हमेशा सफल रहता है, चाहे सफलता थोड़ी देर की ही क्यों ना हो, ये एक बार जो चाह ले उसे पाकर ही रहता है। न्यूयॉर्क शहर में जब लोकी तबाही मचाने की सोचता है, तब थोर सहित पूरी अवेंजर्स टीम इतना परेशान हो जाते हैं जितना परेशान शायद थेनोस ने भी अवेंजर्स को न किया हो। पर चाहे लोकी में कितनी भी बुराइयां भरी हो, इसमें अच्छाई की वो छोटी सी लो सदैव जलती आ रही थी, जो तब उजागर हुई जब फ्रिगा का अंत होता है। जब थेनोस के आगे इसका भाई थोर लाचार होता है, तब अपनी जान की परवाह किए बिना ये अपने भाई को बचाने के लिए मौत के मुंह में कूद पड़ता है। लोकी की सच्चाई की प्रकाश बस अपने भाई या पूरे एस्गार्ड या पूरे धरती या इस यूनिवर्स में ही नहीं, बल्कि पूरे मल्टीवर्स में उजागर तब होती है जब बढ़ रहे समय रेखाओं को स्टेबल करने की बारी आती है, तब जानलेवा रेडिएशन की परवाह किए बिना ये मल्टीवर्स बचाने कूद पड़ता है और खुद में ही अनंत टाइमलाइन को समाहित कर लेता है। बात करें थेनोस की, तो थेनोस टाइटन के परिवार में जन्मा सबसे होनहार, ताकतवर तथा अकलमंद म्यूटेंट है, जिसका जन्म टाइटन नामक प्लेनेट में हुआ है। थेनोस का रिश्ता टाइटन के एक रॉयल फैमिली से है, लेकिन जो कि जन्म के समय ये थोड़ा विकृत रूप में पैदा हुआ था, इसलिए वहां के लोगों ने इसे राक्षस तथा अपशगुन कहा और इसके बारे में ऐसी भविष्यवाणी करी गई कि ये पूरी दुनिया मिटा देगा। इसलिए थेनोस का बचपन काफी कष्ट भरा रहा, क्योंकि कोई भी टाइटन वासी इससे बात करने से भी डरते थे। हालांकि थेनोस शुरू से ही काफी जीनियस था, इसलिए दुनिया मिटाने की भविष्यवाणी को झुटलाने के लिए लोगों को यह सलाह देता है कि जल्द ही टाइटन मिटने वाला है, इसे बचाने का एकमात्र तरीका है यहाँ की आधी आबादी को मिटाना, क्योंकि यहाँ जनसंख्या एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ चुकी है। थेनोस की इस बात को सुनकर सभी थेनोस को टाइटन से बाहर निकाल देते हैं, पर थेनोस की भविष्यवाणी सच साबित होती है। बढ़ती आबादी, प्रदूषण तथा सूखे जैसी आपदा के कारण लगभग सभी टाइटनवासी का सफाया हो जाता है, और उस दिन के बाद से पूरे यूनिवर्स में संतुलन बनाने की थेनोस शपथ लेता है, ताकि कोई और प्लेनेट दूसरा टाइटन न बन जाए। इसलिए बाकी दुनिया बचाने के चलते ये आधी दुनिया मिटाने निकल पड़ता है, और साथ में इसके रहती है इसकी शक्तिशाली आर्मी। बात करें लोकी के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो स्ट्रेंथ के मामले में ये भले ही आपको कमजोर लगे, पर ध्यान रहे ये कमजोर थोर से था, ना कि सभी अवेंजर्स से। लोकी में इतनी फिजिकल एबिलिटी है कि ये 50 टन भारी वजन को भी उठा सकता है, लेकिन जब लोकी अपने मैजिकल स्पेल का यूज करता है, तो इसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज कई गुना अधिक बढ़ जाती है।
यही वजह है कि टीवीए का लोकी शक्तिशाली रेडिएशन फील्ड के ऑपोजिट आगे बढ़ते हुए टेम्पोरल लूप तक पहुंच जाता है। उसी दौरान हमें लोकी की ड्यूरेबिलिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि फोर्सफुल रेडिएशन भी इसका मैगी नहीं बना पाती। हालांकि इसमें भी लोकी का मैजिकल पावर भी छिपा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब हल्क इसे कई बार उठाकर पटकता है तब भी ये नहीं मरता। लोकी मौत को इतनी बार चकमा दे चुका है कि थैनोस ने इसे मार दिया ये विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लोकी अपनी मैजिकल पावर की मदद से फोर्स फील्ड और एनर्जी फील्ड भी बना सकता है, यहाँ तक कि ये दुश्मनों पर शक्तिशाली एनर्जी ब्लास्ट भी छोड़ सकता है। और इसकी फोर्स फील्ड इतनी प्रोटेक्टिव होती है कि ये लोकी को खतरनाक से खतरनाक हमलों से भी बचा सकती है। ये अपने मैजिकल पावर से टेलीपैथी के जरिए दूसरों से कम्युनिकेट कर सकता है, और इसकी टेलीपैथी या सायोनिक एबिलिटी यहीं तक सीमित नहीं होती। ये दूसरे डायमेंशन में भी अपने बातों को पहुंचाने के साथ ये अपनी थॉट को वहां प्रोजेक्ट भी कर सकता है, और इसी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके ये कई इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। लोकी को टेलीपोर्ट करते हुए आपने भी कई बार देखा ही होगा, और इसकी टेलीपोर्टेशन अब सिर्फ इसी स्पेस तक सीमित नहीं, बल्कि किसी भी सुपर हीरो से अलग ये किसी भी स्पेस तथा टाइम में खुद को टेलीपोर्ट करवा सकता है, चाहे वो पास्ट और फ्यूचर ही क्यों ना हो। ये बिना चीजों को छुए अपने माइंड से ही उसे उठा सकता है, यानी इसमें टेलीकिनेसिस के भी पावर है। लोकी अपने मैजिकल स्पेल से ये कैसे भी लोगों को अपने वश में कर सकता है। वश हो चुके लोगों को ये काफी सारी ताकत व स्किल से भी भर सकता है। लोकी पूरे यूनिवर्स के सभी नई से पुरानी भाषाओं को समझ या बोल सकता है, और ये खुद को किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म करने के साथ साथ अपनी मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी से किसी भी चीजों की आकार को बदल सकता है। ये समय को स्थिर करने के साथ इसे धीमा या तेज भी कर सकता है। ये खुद के प्रतिरूपों को बनाकर किसी भी टाइमलाइन में भेज सकता है, और इसे मार पाना अब नामुमकिन है, क्योंकि यह डिफरेंट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है और उसे कंट्रोल भी करता है, इसलिए आप कह सकते हैं ये अमर है। अब अगर बात करें थैनोस की, तो स्ट्रेंथ के मामले में यह हल्क को भी मात दे चुका है, और मात ही नहीं, यह हरे पहाड़ को इस प्रकार तोड़ दिया कि हल्क बैनर से दोबारा हल्क बनना ही नहीं चाह रहा था। थैनोस ने लगभग सभी एवेंजर से फाइट करी है और सभी को फिजिकली मुकाबले में हराया है, यहाँ तक कि यह एक साथ कैप्टन अमेरिका और थोर को भी संभाल चुका है, जीनियस आयरन मैन को भी अच्छी खासी चोट पहुंचा चुका है, और तो और इसने विजन के वाइब्रेनियम स्कल को फोड़ते हुए वहां से माइंड स्टोन निकाल चुका है, और थैनोस तथा कैप्टन मार्वल के मुकाबले को कोई कैसे भूल सकता है। यूं तो कैप्टन मार्वल को एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बताया जाता है, पर थैनोस से हुए मुकाबले में थैनोस ने उसे किसी कूड़े की तरह दूर फेंक दिया था। बात करें थैनोस की ड्यूरेबिलिटी की, तो थैनोस की सहन शक्ति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसने अपने गॉन्टलेट पर सभी इन्फिनिटी स्टोन के शक्ति को बर्दाश्त कर लिया है, जबकि इसी स्टोन के प्रभाव से हल्क को काफी नुकसान पहुंचा था। यहाँ तक कि हल्क खुद गामा रेडिएशन से बना हुआ है, पर स्टोन की गामा रेडिएशन हल्क के बाजुओं को जला देती है और आयरन मैन का अंत कर देती है। शक्तिशाली होने के साथ साथ थैनोस के ड्यूरेबिलिटी के हमें कई सबूत देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसने हल्क के कई वार को सहा है, आयरन मैन से भी पिट चुका है। यहाँ तक कि पूरे एवेंजर्स टीम में ऐसा कोई मेंबर नहीं जिसने इस पर अपने हाथ ना आजमाए हो। अब चाहे वो गार्डियन का हमला हो, थॉर तथा कैप्टन का लाइटनिंग हमला हो, कैप्टन मार्वल का फोटोन ब्लास्ट हो, स्कारलेट विच की जादुई शक्तियां हो, या सभी स्टोन से सजे हुए इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनना हो, इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनने के बाद भी इसे कोई चोट पहुंचा नहीं सकता। इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पहनने के बाद भी इसमें कई अनोखी खूबियां जुड़ जाती है, जिसकी मदद से ये अपनी शक्तियों को और भी अधिक बढ़ा सकता है, कहीं भी खुद को टेलीपोर्ट करवा सकता है, समय में कहीं भी आ जा सकता है, मन के सोचने से ही चीजों को उठा सकता है, दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, और इसी गॉन्टलेट के साथ थैनोस के एक चुटकी से ही आधी दुनिया मिट चुकी है। पर टीवीए वाले लोकी के खिलाफ थैनोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ पूरी आर्मी, जिसमें ब्लैक ऑर्डर के सभी मेंबर्स और बाकी टाइटन आर्मी भी जुड़े हुए हैं, और ब्लैक ऑर्डर की पावर्स को आप मूवी में देख ही चुके होंगे। ब्लैक ऑर्डर का एकमात्र सदस्य इबोनी ने ही अकेले डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन की हालत खराब कर दी थी, और बाकी मेंबर्स ने भी जो तबाही मचाई थी आप देख ही चुके हैं। इसकी टाइटन आर्मी में भी एक से एक कुशल तथा शक्तिशाली योद्धा भरे हुए हैं, पर जब बात हो रही हो टीवीए वाले लोकी के खिलाफ इन सभी आर्मी सहित थैनोस की, तो एसगार्ड ना सही, जो पूरे टाइम जगत का गॉड बन चुका है, उसे अब शायद ही कोई हरा पाए। इन्फिनिटी स्टोन्स तो टीवीए में
पेपर दबाने का काम आती थी। पर लोकी इन सभी से काफी ऊपर उठ चुका है। ये चाहे तो अपने कई प्रतिरूपों को अलग अलग स्पेस टाइम में भेजकर थैनोस सहित उसके सभी आर्मी की कहानी मिटा सकता है, या थैनोस को पूरे टाइमलाइन से ही मिटा सकता है, थैनोस नाम के शब्द को ही खत्म कर सकता है। इसलिए थैनोस के लिए लोकी से मुकाबला कर पाना बस एक मजाक है। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।